पूछा इन्होंने, इन केस इफ आई मिस योर ट्रेड, इफ आई एम आउट ऑफ नेटवर्क, ये लाइव ट्रेड की बात कर रहे हैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, कैन वी स्टिल बाय और सेल ऑन द सेम डे विथ डिले? उनके बाद क्वेश्चन भी इनका आगे कंटिन्यू होता है, व्हेन कैन वी मेक दैट ट्रेड इफ इट्स आउट ऑफ रेंज ऑफ द सजेस्टेड लेवल ऑफ निफ्टी? ओके अभिषेक, मुझे लगता है कि उनका क्वेश्चन है कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ और जब ट्रेड हो रहा है, फिर वो हमारे साथ वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या किसी और के भी साथ कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि हमने बोला है कि बाय निफ्टी एट 8,000 रुपीज, जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, और जब वो मैसेज देख रहे हैं तब निफ्टी चल रहा है 8,100, तो उनको नहीं करना चाहिए, बट निफ्टी अगर 8,020-30 चल रहा है तो ही कैन डू इट, बट निफ्टी अगर 8,000 से नीचे चल रहा है तो ही कैन डेफिनेटली बाई इट, बट अगर बाइंग एंट्री या सेलिंग एंट्री से बहुत ऊपर या नीचे चला गया है तो मेरे अकॉर्डिंगली वो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए और नेक्स्ट ट्रेड की वेट करना चाहिए। ओके या सो मिस्टर गोडेपू, ऐसा होगा नहीं बार बार कि बार बार आप आउट ऑफ नेटवर्क रहेंगे, और बार बार आउट ऑफ नेटवर्क रहेंगे तो ऑब्वियसली जो बंदा नेटवर्क में रहेगा और जो बंदा आउट ऑफ नेटवर्क रहेगा, दोनों को बराबर मिले ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, राइट? अब एक बंदा सोता रहे और एक बंदा ज्यादा से ज्यादा जागे, एक बंदा ज्यादातर टाइम सोए, तो ज्यादा जागने वाला ज्यादा पाएगा लाइफ में, सिंपल सी बात। सो यस, बट हाँ कभी कभी यू कैन बी आउट ऑफ नेटवर्क, तो उसके लिए आपको जवाब मिल गया कि इफ इट्स नियर बाय यू कैन बाय, इफ इट हैज गॉन टू फार लीव इट, एंड अस्यूम कि ये ट्रेड आपके लिए था ही नहीं। सिंपल, सारे ट्रेड करने से भी कोई मतलब नहीं है, एक दो छूटा तो छूटा, इट्स ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। ओके,